चार बार कराया अबॉर्शन। नई दिल्ली एक महिला ने आरोप लगाया है कि प्लेसमेंट एजेंसी चलाने वाला एक युवक ने 4 साल तक उसे बंधक बनाकर उसका रेप किया है। साथ ही आरोप है कि इस दौरान महिला कई बार प्रेग्नेंट भी हुई है। अब तक यह महिला इंसाफ के लिए अपने 9 महीने की बच्ची के साथ थाने के चक्कर लगा रही है। अब एक एनजीओ की मदद से मां एकलव थाने की 100 नंबर पर कंप्लेंट दर्ज की गई। पीड़ित महिला मूल रूप से बंगाल की रहने वाली है। उसने बताया कि वह 2014 को दिल्ली आई थी। उसको किसी जानकार महिला ने दिल्ली के शकरपुर इलाके में प्लेसमेंट एजेंसी चलाने वाले राम उद्गार यादव से मिलवाया। महिला से मिलने के बाद राम ने धोखे से महिला का अश्लील फोटो लेकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। महिला का आरोप है कि उसे घर बुलाकर उसका रेप किया और धमकी दी कि अगर किसी से कही तो उसका अश्लील फोटो नेट पर डाल देगा। पीड़ित महिला की माने तो 2014 से लेकर 4 साल तक एक घर में बंधक बनाकर राम उमकर यादव उसका बलात्कार करता रहा और बात न मानने पर उससे मारपीट तक करता था। इसी दौरान महिला कई बार प्रेग्नेंट भी हुई तो शंकरपुर के एक निजी अस्पताल में उसका 4 बार अबॉर्शन करा दिया था। जब वह महिला 5वीं बार गर्भवती हुई तो उसने एक बेटी को जन्म दिया। अब ये महिला किसी तरह से भाग निकली और अपने गांव पहुंची। अब ये महिला इंसाफ की गुहार लगा रही है। एनजीओ ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी न भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।